सचदेवा मिलेनियम स्कूल के चेयरमैन आरके सचदेवा ने लोगों से अपील की है कि लोग अपने बच्चों को अकेले में पटाखे ना चलाने दें। लोगों को बच्चों के साथ पटाखे चलाते समय खड़े रहना चाहिए। इसके साथ ही उनका और क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। दीपावली का त्योहार खुशियों का त्योहार है। इस त्योहार पर बच्चे बड़े सभी हंसी खुशी के साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं, लेकिन कई बार बच्चे अलग पटाखे जलाने चले जाते हैं, जिससे कई बार बच्चों के साथ घटना हो जाती है। ऐसे में सचदेवा मिलेनियम स्कूल के चेयरमैन आरके सचदेवा ने लोगों को अपने बच्चों पर ध्यान रखने की अपील की है। इसके साथ ही उनका कहना है कि लोगों को अपने अंदर का दीपक जलाना चाहिए। हमारे देश में दिवाली मनाने का जो उद्देश्य है और जिस तरह से दिवाली मनाने की प्रक्रिया है, उसमें हम दीप प्रज्वलित करते थे पहले, और दीप प्रज्वलित करने के पीछे एक लॉजिक था कि हम देश में रोशनी लाना चाहते हैं, लोगों के जीवन में रोशनी लाना चाहते हैं। उसका स्थान अब पटाखों ने ले लिया है, तो क्योंकि परिस्थितिवश जैसे बच्चे देखते हैं तो उन सबको, उनके पेरेंट्स को उनकी पूर्ति करनी होती है, लेकिन मेरी सारे पेरेंट्स से गुजारिश है कि बच्चों को दीप और पटाखों में दोनों में डिफरेंस समझाएं, और साथ साथ क्योंकि परिस्थितिवश आधुनिक युग में एकदम तो हम नहीं बदल पाएंगे, यदि वो पटाखे छुड़वाना चाहते भी हैं तो उनका मेरा प्रयास हो कि वो कम से कम इस चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि इनडायरेक्टली बच्चे की लाइफ पर भी थ्रेट हो सकता है। दीपावली 5 दिनों का त्योहार है। इस त्योहार के साथ कई त्योहार एक साथ आते हैं। सचदेवा मिलेनियम स्कूल के चेयरमैन का ये भी कहना है कि पहले केवल दीपों का त्योहार होता था, लेकिन धीरे धीरे ये आतिशबाजी में बदल गया है। तो दीपक जलाने पर जब आप खुद दीपक जलाएंगे तो बच्चे भी शायद उसको आपका अनुकरण करेंगे, और निश्चित रूप से हमारे दीप प्रज्वलन की जो पौराणिक सिस्टम है वो सिस्टम फिर वापस आएंगे, और इस पटाखों में जिसमें कि हम पोल्यूशन की तरफ जाते हैं और नेचर का नुकसान करते हैं, तो हम उस तरफ कुछ कम आएंगे, और साथ साथ बच्चों की सुरक्षा का भी हम लोग अच्छी तरह से ध्यान रख पाएंगे। नहीं, ये उसके पीछे मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को ज़्यादा अवेयर होना चाहिए कि वो इस स्थिति में बच्चे नहीं हैं, कि यदि पेरेंट्स उनको ये कहेंगे कि हम सब लोग मिलकर करना चाहते हैं तो उसमें दो रास्ते बन जाएंगे। एक तो आप उनकी सुरक्षा देख पाएंगे, दूसरा उन बच्चों को आप उन बच्चों को प्रमोट कर पाएंगे कि वो पटाखों के कंपैरिजन में दीप प्रज्वलन जलाना की कोशिश करें, तो वो दोनों साथ साथ हो जाएंगे, आधुनिक और पौराणिक। 5 दिवसीय दीपोत्सव के त्योहार पर चारों तरफ रौनक दिखाई देती है। लोग इस त्योहार को जोर शोर से मनाते हैं। लोग एक दूसरे के घर बधाई देने के लिए भी जाते हैं। ये त्योहार लगभग पूरे विश्व में मनाया जाने लगा है। इस त्योहार की चमक और धमक दोनों ही अब विश्व में दिखाई देने लगी है। सी न्यूज के लिए विनोद जूनियर की रिपोर्ट।